सऊदी अरब में रहने वाला एक शख्स अपनी बेगम को वीडियो कॉल करता है और बात करते करते उसकी नज़र अचानक बेगम की आईब्रो पर जाती है। उसके बाद शौहर ने अचानक ये वीडियो कॉल कट की और बेगम को ऑडियो कॉल की और कॉल पर ही 3 बार तलाक 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 बोलकर महिला को तलाक दे दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, शौहर ने सिर्फ आईब्रो बनवाने पर अपनी बेगम को तलाक दे दिया है, वो भी दूसरे देश में बैठकर। इसके बाद महिला ने कई बार शौहर को फोन करने की कोशिश की लेकिन उसने कॉल तक नहीं उठाया। ससुराल वालों को भी फोन किया गया तो उन्होंने भी बेटे का साथ दिया। परेशान होकर महिला ने पुलिस में पति समेत ससुराल जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। ये पूरा मामला कानपुर के कुली बाजार इलाके का है। यहाँ रहने वाली गुलसबा नामक महिला का निकाह 17 जनवरी 2022 को प्रयागराज के रहने वाले सालिम से हुआ था। परिवार प्रयागराज के फूलपुर में रहता है जबकि सालिम सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता है। महिला ने ससुराल वालों को दहेज के लिए परेशान करने का भी आरोप लगा दिया है। हमारी शादी 17 जनवरी 2022 में हुई, 4 तारीख के 4 अक्टूबर की बात कर रहे थे अपने शौहर से वीडियो कॉलिंग पे। अब वो सऊदी में है वो, और हमसे उनकी नज़र पड़ी हमारी आईब्रो पे तो हमसे कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, फिर भी बनवा लिया। तो हमने कहा कि नहीं, कहाँ बनी है, कहीं देखो बनी तो है, आखिर बात नहीं मानी। फिर 8 दिन वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं मानी ना बात मेरी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही तीनों बाल ऐसे ही बोल के और फ़ोन काट दी। फिर हमने उनसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं हुई तब से उनसे। आपने कॉल किया था? नहीं, हमने कॉल भी नहीं की, हम खुद इतने उसमें हो गए थे कि हम करें तो क्या करें। फिर बाद में हमने अम्मी से बताया शाम के, तो फिर अम्मी ने हमारी बात करी था तो अम्मी से कहीं नहीं कि जो हमने कहा है उसको मालूम है। तो आपने इस बात के लेकर कहीं कोई शिकायत करने किसी पास गए थे? हम कमिश्नर के पास गए थे, उनके से इनको एप्लीकेशन दी है 12 तारीख के। फिर उन्होंने हमें चौकी पे भेजा होगा उन्होंने, तो फिर हमें चौकी पे बुलाई ने वहाँ पे गए, उन्होंने उनसे भी बात आत हुई है वहाँ सऊदी में, तो उनको उनके घर वालों को बुलाइन था। अब मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए, अब इंसाफ हो और क्या चाहेंगे, जो सही हो वो कहें। बसई नाका के एसीपी निशांक शर्मा का कहना है कि पत्नी की तहरीर पर पति उसकी माँ समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, मामले में कार्रवाई जारी है। एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन हैं उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से जो कि सऊदी में रहते हैं उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज बनवा ली थी, इसके बाद से नाराज़ होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे दिया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया हमने तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं देश में 3 तलाक कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं में बढ़े आत्मबल को साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ। इस कानून के तहत 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया। कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता है। पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक कानून के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।